आज ना मैं ऐसी जगह आई हूँ ना जहाँ पे ना आपको दिखेगी लाइफ मेकिंग, उसके बाद आपके मुंह में आने वाला है पानी। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजेंद्र दा ढाबा। यहाँ के ना गलौटी कबाब का बहुत ही ज्यादा मशहूर, और सच बताओ मैंने नहीं खाया कभी, खाली सुना है। तो आज यहाँ पे आपको मेकिंग दिखाने वाली है, उसके बाद टेस्ट बताने वाली कि कैसा होने वाला है यहाँ का जायका। आइए। राजेंद्र दा ढाबा के गलौटी कबाब आ चुके, बहुत ही ज्यादा मशहूर है पूरा कॉम्प्लेक्स ना, मैं कहूंगी राजेंद्र ढाबा ने घेर रखा। यहाँ पे देख सकते हैं इनके फेमस गलौटी कबाब जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, देखने में शानदार है, मेकिंग भी आपको दिखा दी। ये रहे इनके स्पेशल चिकन साते जो बहुत ही ज्यादा भैया ने बोला ये तो आप जरूर ट्राई करना, तो चलिए देखते हैं टेस्ट कैसा है। और साथ में ना इन्होंने दिए मुगलाई पराठा। आप पराठे का साइज दिखाना एक बारी, वाह आप पराठे का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है, मतलब ये आराम से ना दो बंदे तो खा सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं खा पाऊंगी पूरा एक। ये मैंने एक बाइट लिया, जूम करना, वाओ जूम करो ना, कितना सॉफ्ट है यार। ये देख लो इसके अंदर का जो मीट है ना, ये मटन के हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसे कहते हैं आराम से ये टूट रहा है पूरा। तो क्योंकि ये ना जो मुगलाई पराठा है ना, ये मैदे का बनता है, और इसको ना चबाने में मेरे को बहुत ही टाइम लग रहा है, काफी जान लग रही है। तो इसका टेस्ट काफी अच्छा है, आप आ सकते, कभी भी आप आना तो ट्राई कर सकते हो, बट मेरे को वाओ तो नहीं कहूंगी मैं। और ये रहा इनका स्पेशल चिकन साते। ये इनका चिकन साते है। मुझे चिकन साते ज्यादा पसंद आया। तो गाइस कभी भी आप राजेंद्र ढाबा हो ना, पीछे देख सकते हो, तो मेरे कहने पे ना इनका स्पेशल चिकन साते जरूर ट्राई करना। मुझे गलौटी कबाब से ज्यादा टेस्टी लगा है वो, मुझे बहुत ही, मैं कहूंगी ठीक ठाक है, मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगी, बट मैं चिकन साते जरूर आपको प्रेफर करूंगी। तो कभी भी आओ ना तो यहाँ पे ये जरूर ट्राई करना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी प्रोफेशनल।